हम लोग करेंगे अब मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी मोटिवेशन में देखो सैलरी और वेजेस दिया है, अलाउंस दिया, बोनस, प्रीमियम, ग्रेच्युटी, लीव सैलरी, रिवार्ड, पर कॉस्टिस। और नॉन मॉनेटरी में दिया हुआ है सेफ्टी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, रिवार्ड, स्टेटस, लेक, बहुत सारे चीज दिए हैं। मॉनेटरी मोटिवेशन होता क्या है मैम? जो मनी से रिलेटेड। और चलिए आप लोगों को होमवर्क क्या रहेगा, व्हाट इज मॉनेटरी मोटिवेशन, इसका मीनिंग लिख के सेंड करोगे आप लोग या अपने वॉइस में भेजोगे, और नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन का मीनिंग। ठीक है, एक एक क्वेश्चन भी आप लिख के भेजते हो ना व्हाट्सएप ग्रुप में या लर्न करते हो तो आप लोग की बोर्ड की तैयारी हो जाएगी। कुछ नहीं आता है अभी आप लोग को। ठीक है, दोनों का मीनिंग अंडरस्टैंड करना, डिफरेंट बिटवीन भी दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट है डिफरेंट बिटवीन भी। निगेटिव मोटिवेशन क्या होता है, लीडरशिप का मीनिंग, करेक्टरिस्टिक, इम्पोर्टेंट क्वालिटीज ऑफ ग्रेट लीडर की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, सेम है ये भी, पूरा चैप्टर आपके इसी पर डिपेंड है कि एक सुपरविजन की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और ये इम्पोर्टेंट है, सेम क्वालिटी मिलेगी क्योंकि एक ग्रेट लीडर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, रूल्स ऑफ नॉलेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए, इंटेलिजेंट होने चाहिए, हॉनेस्ट होने चाहिए, फॉरवर्ड लुकिंग, साइंटिफिक आउटलुक, अदर क्वालिटीज। ठीक है, ये सारे एक ग्रेट लीडर में क्वालिटी होने चाहिए। ओके, उसके बाद स्टाइलिश ऑफ लीडर, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, बहुत सारे इसकी जो क्वालिटीज है वो कर लोगे। डिफरेंट बिटवीन भी वेरी इंपॉर्टेंट है इसके। कम्युनिकेशन का मतलब सभी को मालूम है क्या होता है, थिंकिंग और समथिंग इज नॉट इनफ बट इन ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल इट हैज टू बी प्लेस बिफोर अदर पीपल when we are doing so the process of communication in progress nowadays for large scale production for completion of work new age or era called information technology establish effective communication can establish desired link through formal and information media। ठीक है, आज की डेट में कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर एक तरीके से हम कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे वो नेट के थ्रू हो, कॉल के थ्रू हो, टू आर मोर देन टू पीपल्स, यानी एक पीपल दूसरे पीपल से भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इसके इम्पोर्टेंस है, सो वेरी इम्पोर्टेंट। सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, सक्सेसफुल परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजरियल, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन एंड लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन, मैक्सिमम प्रोडक्शन एट द लोवेस्ट कॉस्ट, प्रमोट डिसीजन एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, इंक्रीज इन एम्प्लॉय मोरल, ह्यूमन रिलेशन, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। यहाँ तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसके टाइप्स भी है, एक वर्बल कम्युनिकेशन होता है और एक एक रिटन कम्युनिकेशन होता है। वर्बल का मतलब क्या होता है, जो ओरल कम्युनिकेशन होते हैं जो एक दूसरे से बोलकर कवर करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे कोई डिस्कस कर रही हूँ, मतलब ये आपका ओरली कम्युनिकेशन हो गया। और रिटन का मतलब क्या है, रिटन कम्युनिकेशन रिफर टू द मैसेज ट्रांसमिटेड, जैसे अपन चैट करते हैं ना टाइप करके, वो हमारा क्या है, रिटन कम्युनिकेशन है। ओके,
क्लियर है यहाँ पर सभी को? ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन। वर्बल में भी देखो आपके वर्बल कम्युनिकेशन है, रिटन कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल। हम यहाँ से नेक्स्ट क्लास में अंडरस्टैंड करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है, वर्बल के पॉइंट्स आप देख लोगे, रिटन के क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है, दोनों का डिफरेंट बिटवीन भी है। फॉर्मल कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंस और इनफॉर्मल दोनों का मीनिंग या डिफरेंट बिटवीन आता ही है। ठीक है, ओके मैम। ये कौन है, रणवीर आ गया है? रणवीर, रणवीर, यस मैम। असाइनमेंट सबने सबमिट कर दिया? यस मैम। चलिए, जितना अभी मैं आज समझाई हूँ आप लोगों को, सभी क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है किसी भी पॉइंट में? नो मैम। तो आज आप पूरा यहाँ तक रीड करोगे, उसके बाद हम कल फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है,
उसी से मानने से चलिए आज की क्लास यहीं से खत्म करते हैं, ठीक है? जो भी डाउट होगा आप मुझे पूछोगे कल की क्लास में। थैंक यू मैम।